हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल जोन। सो आज की रेसिपी है केक रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। दिस रेसिपी इज़ मेड अप ऑफ ओरियो बिस्किट, जो सबके पास अवेलेबल होते हैं। तो हम इस रेसिपी को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड क्विक एंड ईजी रेसिपी है, तो हम इसे झटपट बना के खा भी सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी से। तो सबसे पहले हम लेंगे ओरियो बिस्किट। आई हैव टेकन बोथ ब्लैक एंड वाइट, बोथ द ओरियो बिस्किट। उसके बाद हमें क्या करना है, इन ओरियो बिस्किट की जो वाइट क्रीम है, सिर्फ हमें वो निकाल के अलग करना है। क्रीम का भी यूज़ होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज जो लेफ्ट ओवर बिस्किट्स हैं, हमें उसका एक फाइन पाउडर बनाना है और हम उसके बाद में इस पाउडर को थोड़ा अलग भी निकाल के रख लेंगे। ये हमारे केक की गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा। आफ्टर दैट हम लेंगे एक बाउल और उसमें इस पूरे जो पाउडर है उसको ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे। तो आई हैव जस्ट यूज़ 1 स्पून ऑफ मिल्क और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगी, थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी। उसके बाद हमें जिस चीज़ में बेक करना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर उस पर हम एक पेपर लगाएंगे। उसके अगर आपके पास में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो जिसमें बेक होता है, तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, उसको ऑयल से कवर करके, मीन्स ऑयल लगा के, और उसको भी सेट कर सकते हैं, तो भी आपका सही रहेगा। फिर हम जितना भी अपना सामान है, मीन्स जो भी हमारा बैटर है, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको डैप डैप करेंगे ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो सब निकल जाए। हमने लिया है पैन और पैन में डाला है सॉल्ट। ये सॉल्ट आप कभी भी किसी चीज़ में भी बेक कर सकते हैं, और इसको हमने रख के और ढक के रख दिया है हाई फ्लेम पे, और प्री हीट करा था हाई फ्लेम पे। 25 मिनट्स हम इसको देखेंगे। अगर हमारा जो क्लीन आएगा पूरा स्पून, दिस मीन्स हमारा जो केक है वो पक चुका है। अगर नहीं आता है तो हमारा केक अभी भी कच्चा है, सो इट मीन्स ये इंडिकेशन है कि हमारा केक पक गया है। अब हम इसको एकदम कम्प्लीटली कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। खैर, वो पक चुका है, हम इसको टर्न करके प्लेट्स की हेल्प से, और हम इसका जो केक है इसको निकाल लेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ओवर अ हर्शी चॉकलेट सिरप, सो उससे भी आप लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अपना केक यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट जो हमारा बचा था इसका ओरियो का जो हमारा लेफ्ट ओवर अमाउंट था, उसको हमको जिस तरह से स्प्रिंकल करके और जो हमारी क्रीम थी उससे डेकोरेट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वर्सेटाइल जोन फॉर सच अमेजिंग रेसिपीज, एंड कमेंट डाउन आपको ये कैसा लगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय।